सत श्री अकाल लोकरण चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह भंगू तो मेरे नाल विश्व चिंतक डॉक्टर सवराल सिंह। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत। दोस्तों पंजाब दे विच अजे अग्निपथ सेना का रौला खत्म नहीं सी होया कि हुण शिव सेना का रौला पै गया। हालांकि महाराष्ट्र दे विच जदों सरकार बनी सी ओह भी उस समय भी संकट सी, लीडरशिप दे विच संकट सी, क्योंकि शिवसेना पहलां बीजेपी दे नाल अलायंस दे विच सी, उस तों बाद कांग्रेस दे नाल मिल के शिवसेना दा उत्थे सरकार बन जांदी है महाराष्ट्र दे विच। हुण पिछले कई दिनों तो हालांकि महीने ही हो गए इस गल नूं कि उद्धव ठाकरे हिंदू तब दे एजेंडे ते गल कर रहे सी, ओह अपने बयानां दे राहीं अपने आप नूं हिंदू ते एजेंडे तों इक पासे रख रहे सी। हुण जदों उहनां दी कुर्सी ते बणाई ओह खुद भी यह गल कहिंदे ने कि इस करके मेरी कुर्सी दे उत्ते नौबत आ गई, कुर्सी जाण तक दी नौबत आ गई, क्योंकि मैं अपने आप नूं हिंदू तों एजेंडे तों दूर रखण दी गल कर रहा सी। अपनी उहनां दी एकनाथ शिंदे तों बगावत शुरू हुंदी है, उस तों लै के इस बगावत दा भाजपा वालों स्वागत किया जाता। भाजपा के जो मुरली कतार के संसद मैंबर ने, मैंबर पार्लीमेंट ने, वह एक मोहरी भूमिका निभाते हैं स्वागत करने के पिछे। हालांकि बुद्धिजीवी तबका यह गल भी कहता कि कितने ना कि वड्डे पद्धर उत्ते बीजेपी के ही एजेंडा काम कर रहा इस सारे कासे के पिछे। इस मसले पर गलबात करने के लिए साढ़े नाल डॉक्टर सवराल सिंह ने। डॉक्टर साहब एज ए एक चिंतक जो कुछ हो रहा स्टेटा की सरकार, हालांकि पहला हूँ महाराष्ट्र के, उस तो पहला पछमी बंगाल की एक सीट को लैके, या फिर असं पंजाब की गल करते हैं कि वध अधिकारां दे केंद्र डाके मार रहा, उस तो पहला फिर राजस्थान के अपना एक डिस्प्यूट सी, मध्य प्रदेश की अपनी एक कहानी है जो सब राज्यां दे विच वापर रहा, तो इसे दे चलदिआं जो कुछ हुण महाराष्ट्र के वापर रहा तुसीं किस नज़रिए तों देखदे हो इहनूं? देखो मैनूं इह लगदा है जिहड़ा शिवसेना का जिहड़ा संकट हैगा मुढले तौर ते उहदे विच उहदी जिहड़ा पहचान का संकट है कि शिवसेना जिहड़ी हैगी है, जाहिर है कि एक पासे तो वो खेतरी पार्टी हैगी है, रीजनल पार्टी हैगी है, कि मराठा मराठियां दी पार्टी रही है शिवसेना। दूसरे पासे उहदे विच जिहड़ा कि हिंदूत्व का एजेंडा हैगा, जिहड़ा हिंदूत्व का एजेंडा हैगा वह फिर जिहड़ा खेतरी एजेंडे नालों वह बिल्कुल ही उल्ट हैगा, कि मतलब जिहड़ा खेतरी एजेंडा है कि वह मराठी जिहड़ी अपनी पहचान है उहनूं सब तो उपर रखण, तो हिंदूत्व जिहड़ा एजेंडा वह कहिंदा नहीं भी जिहड़ा हिंदू एजेंडा हैगा उस नूं उपर रखा जाए। हुण यही झगड़ा होया होया दोवां दा कि जिहड़ा एकनाथ शिंदे हैगा जिन्हें हुण बगावत की है उद्धव ठाकरे विरुद्ध, हुण उद्धव ठाकरे जिहड़ा बाल ठाकरे का लड़का हैगा जिहड़ा हुण जिहड़ा मौजूदा जिहड़ा बिल्कुल चीफ, तो हौली हौली जिहड़ा हैगा तो वह पिछे हटिया जिहड़ा हिंदूत्व के एजेंडे तो पिछे हट के, क्योंकि पहला इहदा जिहड़ा भाजपा नाल अलायंस सीगा तो अलायंस उहने तोड़ के ते वह कांग्रेस ते एनसीपी वल गया, तो उहदा पर उहदी जिहड़ी मुख सीगी ना कि वह अपना जिहड़ा मराठा आइडेंटिटी जिहड़ी खेतरी पहचान है उस नूं मुख पहचान बना रहा सीगा। लेकिन हुण जिहड़ा एकनाथ शिंदे है उहने हुण जिहड़ी बगावत की इस मसले ते की है, वह कहिंदा कि नहीं असीं हिंदूत्व जिहड़ा एजेंडा वह छड्डे जा रहे हैं, तो असीं वह कहिंदा भी जिहड़ी शिवसेना सीगी वह हमेशा हिंदूत्व दा एक रहा है जिहड़ा, तो यह मतलब उद्धव ठाकरे ने छड्ड दिता हैगा, तो इस करके वह कहिंदा सीगा कि ये सानू दोबारा भाजपा नाल जिहड़ा गठजोड़ अलायंस करना चाहिए। तो हुण गल की है जे आपां इहदियां जिहड़ियां जड़ां मैनूं जिहड़ियां इह इतिहास दे विच ही नज़र आ रही हैं कि जिहड़ी शिवसेना मुख तौर पर मराठियां दी जिस तरह मैं कहा पार्टी है मराठा, हुण मराठे कौन है? मराठे जिहड़े ने इक मतलब जिहड़े हैगे महाराष्ट्र इलाके दे जिहड़े किसान है, मराठे जिहड़े किसानी मुख तौर पर किसानी रहे, शिवाजी खुद जिहड़े ने वह मतलब उस मराठे सीगे, उस किसान पिछोकड़ दे बंदे सीगे। लेकिन होया कि शिवाजी नूं राज लैण दे वास्ते जिहड़ी उत्थे दे ब्राह्मणा दे नाल उन्होंने जिहड़ा है, क्योंकि जिहड़े ब्राह्मण सी वह समझदे सी कि जिहड़े इह जिहड़े मराठे है किसान इह शूद्र जात है, इह मतलब उन्होंने हिसाब नाल सिर्फ खत्री ते जिहड़े ब्राह्मण उह ही राज कर सकदे आ। तो जे आपां इतिहास च देखिए कि शिवसेना जिहड़ी हैगी मतलब शिव जाहिर है कि शिवाजी तो ही मतलब उन्होंने नाँ ते सेना बनी है बिल्कुल है, तो ये एक मराठा जिहड़ा पिछोकड़ है। लेकिन वो जो पिछोकड़ जी जाने तो जो शिवाजी जिहड़े है जदों उन्होंने तख्त पर बैठना सीगा
तो कोई भी पंडित उन्हों का राज तिलक करने तैयार नहीं से। तो उन्होंने एक मतलब जोड़ा ब्राह्मण दक्षिणी भारत चो लिया जिन्हें शर्त लाइया से, वह कहता भी एक शूद्र जोड़ा है वो मतलब तख्त असी नहीं बिठा सकता, राज तिलक नहीं हो सकता, सारे ब्राह्मण कह रहे थे। तो फिर एक दक्षिणी भारत तो ब्राह्मण लिया गया, उन्हें यह कहा कि देखो मैं जरा इस शर्त लाना कि एक जरा थोड़ा जरा मुख प्रधानमंत्री होएगा, चीफ प्राइम मिनिस्टर होएगा, वो ब्राह्मण होएगा। और दूसरा उन्हें यह भी कहा कि मैं पैसा भी खूब लिया, मतलब उन्होंने हीरे मतलब सोने ना तोलिया गया उसमें। लेकिन जो एक उन्हें शर्त लाती कि असली पावर फिर भी ब्राह्मण दे कोल रहेगी, पेशवा उन्होंने पेशवा कहते हैं जेड़ा प्राइम मिनिस्टर हो। तो हूँ जो हौली 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 जरा महाराष्ट्र के जोड़े शिवाजी का लड़का शंभू से उस तो बाद जरा असली पावर जी असली ताकत जी महाराष्ट्र महाराष्ट्र वो ब्राह्मणों को चली गई। और जो शिवाजी के जो खानदान के बंदे से मराठे से वो ना दे रह गए जिन्होंने अंग्रेजी से नॉमिनल हैड कहने। तो हूँ इतने एक दुविधा पैदा हो गई कि जी ब्राह्मण जी सोच सी है जी पेशवावान की तो जी मराठिया की उत्थे जाति भी डिफरेंस है। तो वो मतलब जरा तो शिवसेना का जरा उलार रहा है तो जो है हमेशा जरा अपने आपू जो हिंदुत्व जो एजेंडा है वो रहा है शुरू तो इस करके भाजपा ने उन्होंने गठजोड़ किया। लेकिन कितना कित जो है क्योंकि जी मराठा नैशनलिज्म है मराठा राष्ट्रवाद है जरा वह भी है वो तो एक दुविधा बनी रही है हमेशा जी कि हूँ मतलब वो हूँ जो जिमें जो जो भाजपा का एजेंडा से हूँ भाजपा का एजेंडा जरा पहला जरा वो फिट हो जाते जो भाजपा जिन्ना चर पावर च नहीं सी इन्हें खेतरी पार्टियां नाल अलायंस किए है इतने मतलब जरा पंजाब देख लो भी अकाली उन्होंने अला बादल अकाली दल नाल अलायंस रहा गठजोड़ रहा कि देर रहा भाजपा का पंजाब दे विच। तो इस करके भाजपा उस वेले जिहड़ा है खेतरी पार्टियां नाल उहदा गठजोड़ रहा है जो पंजाब च भी रहा महाराष्ट्र च भी रहा। तो हूँ जिहड़ा है हौली हौली जी भाजपा के विच भी जो है हिंदुत्व एजेंडा जरा वो ज़्यादा भारू हो रहा। तो उस करके इतने भी टुट गया जरा अलायंस अकाली दल नाल भी। तो जरा उ भी जो है हूँ ये शिवसेना के भी जरा एकनाथ शिंदे का जरा ज़्यादा वह जो नुकता चिन्ही है उद्धव ठाकरे की वो ये कहें कि इन्हें हिंदुत्व का एजेंडा छड़ दिता है। तो जे हिंदुत्व एजेंडे उन्हें मतलब ये शर्त लाई से एकनाथ शिंदे ने कि भी एक हिंदुत्व एजेंडे पर वापस आए भाजपा नाल गठजोड़ करे तो फिर असी मतलब सुलह करने तैयार। तो ये उद्धव ठाकरे नहीं मनिया। तो कहण का भाव है कि हुण आपां जो बंगाल च देखदे उत्थे जिहड़ी ममता बैनर्जी हैगी वो स्पष्ट तौर पर जिहड़ी हैगी बंगाली राष्ट्रवाद की प्रतिनिधता करती है उत्थे हिंदुत्व का कोई एजेंडा नहीं है। वो सगो मुसलमानों जी उ जी घट गिनती हैगी बंगाल 27-28% के करीब जो कोई कहें 30 दे भी पर चलो 25-30 कि उन्होंने जी परसेंटेज हैगी है मुसलमानों की जी बंगाल तो ममता बैनर्जी उन्होंने मिलकर चलती है मुसलमानों भी ना। तो मतलब ममता बैनर्जी जी है वो नरोल जी खड़ी है जी बंगाली राष्ट्रवाद की बंगाल के प्रतिनिधता करती है। इस तरह जो आप दक्षिण च चले जाने जयललिता सी हूँ जयललिता जी बड़ी वड्डी लीडर सी वो तमिल राष्ट्रवाद की गल करती सी खेतरी जी पहचान मुख्य पहचान अपने खेतरी डायनामिक ने पॉलिटिक्स लेके अगे और उन्होंने नहीं ला सकी भाजपा जी उतार ला भी दिता जिहड़ा जयललिता कैद भी करता अखीर फिर लियाना पिया क्योंकि इन्ना जबरदस्त जिहड़ी उत्थे जिहड़ी खेतरीवाद जिहड़ा हैगा जब अपनी जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी रीजनल आइडेंटिटी है नैशनल रीजनल तमिल आइडेंटिटी है जिहड़ी वो इन्नी स्ट्रोंग हैगी जिद्दां बंगाली आइडेंटिटी स्ट्रोंग हैगी उत्थे मतलब भाजपा दी दाल नहीं गल सकदी क्योंकि वो मुख्य तौर पर जिसे तमिल का सवाल आ जाता असीं तां पहलां तमिल हाँ साडी ये मुख्य पहचान है तमिल। हुण इहदे च मराठियां दी कदी बनी नहीं जिद्दां मैं तुहानूं शुरू तों ही दस्सिया जिहड़ा उहदा इतिहासिक विकास हैगा उहदे विच ही जिहड़ा उत्थे जिहड़ा गठजोड़ होया जदों दी शर्ती जिहड़े शिवाजी आए ने पावर दे विच तो उह मतलब जिस तरह दा अलायंस होया उत्थे उत्थे हमेशा ही जिहड़ा हैगा जिहड़ी उस मराठियां दे विच
उस डिग्री दी उस दर्जे दा जिहड़ा जिहड़ी मराठा नाश्ट राष्ट्रवाद नहीं स्पष्ट तौर पर उभरिया जिहे जिहा बंगाल च उभरिया जां तमिलनाडु च उभरिया हैगा है तो यह एक हुण हुण इहने होर संकट जिहड़ा डूंघा करता है जिहड़ा हुण दी ते हुण जिहड़ा ये सानू लगता है कि हुण लोग दावा कर रहे एक नाथ शिंदे कि मेजोरिटी जिहड़ी मेरे नाल है हुण आप देख रहे हैं जिहड़ियां लेटैसट खबर आ रही हैं तो इस नाल उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे च है क्योंकि जेकर वड्डी मेजोरिटी एक नाथ शिंदे दे नाल है तां फिर कुर्सी तां गई हाँ देखो जाहिर है कि मतलब जे वो मेजोरिटी एम एल ए जिहड़े है जी तो मतलब जे 55 जिहड़े है एम एल ए जिहड़े मतलब शिवसेना के शिवसेना इस वेले वो मतलब जे मैं देख रहा है हुणे तुहाडे नाल गलबात करन तो पहला तो 19 वो कहें ये है उद्दे बाकी जड़े ने दूजे पास आ तो जाहिर है कि मतलब जोड़ा जे वाकई ये सच्चाई हैगी है जो सरकार हा सत्ता दे विच आई सी उदो भी संकट तो संकट बीजेपी के अलायंस के भी उदो मुख्यमंत्री बनाने के लिए रौला पै गया बीजेपी कहती साडा मुख्यमंत्री होवे शिवसेना कहती सी कि साडा बंदी बंदा मुख्यमंत्री होगा फिर कांग्रेस के नाल अलायंस की गल्लां चलदियां ने दो जो विरोधी विचार ने आपस के मिल बैठते हैं वो उस तो बाद फिर आह शिवसेना की सरकार निकलती है बिचों आके तो फिर हुण बीजेपी आप इस गेम के किवें समझिए हालांकि लगातार जो बीजेपी के दो संसद मैंबर ने अपना रोल निभा रहे ने वो लगातार शिंदे दे नाल संपर्क के विच ने नहीं बीजेपी तो उहदे तो कोई शक वाली गल ही नहीं कि बीजेपी जिहड़ी हैगी है वह मतलब चाहती है कि जिहड़ा एक नाथ शिंदे का जिहड़ा वो ग्रुप है जिहड़ा वो मतलब पावर के विच आए तो वो मतलब जां मतलब उहदी दो ही गल्लां होणगियां जां तां उहनूं बनाणगे जां फिर वह भाजपा की सपोर्ट करेगा है जी उन्हें तो खुला किया कि असीं भाजपा की सपोर्ट करते हैं एक नाथ शिंदे तो कहिंदा लेकिन एक नाथ शिंदे ने किया हैगा कि अस जिहड़ा भी उद्धव ठाकरे हैगा ये भी जिहड़ा साडे शिवसेना का जिहड़ा हिंदुत्व का एजेंडा रहा उस तो पिछे हट गया उन्हें उहदे ते यह इल्जाम लाया हैगा है जी तो ये वापस आ जाए हिंदुत्व एजेंडे तो फिर साडा समझौता हो सकता तो हाले तक उद्धव ठाकरे नहीं मन्निया इस गल्लों हुण बेशक चलो जो गौरमेंट बदल डिग भी पैंदे आ गौरमेंट लेकिन ये जिहड़ा आइडेंटिटी हैगी है ये शिवसेना नूं ये हुण देखो हुण जिस ढंग नाल एम एल ए गए है उन्होंने पहला सूरत लैके गए गुजरात उत्थों गुवाहाटी लैके गए एक चीज़ तो उहदे च साफ नज़र आ रही है कि जिहड़ी बेशक इन्होंने जिहड़ी एम एल ए की बहु गिणती हैगी है वो जिहड़ी अपने वल खिंच लई है लेकिन आखिर शिवसेना किधर जाएगी मतलब की शिवसेना अपनी मराठा जिहड़ी आइडेंटिटी हैगी अपनी मराठा पहचान है उन्होंने अगे लियाएगी कि हिंदुत्व पहचान अगे लियाएगी इहदा फैसला कौन करेगा इहदा फैसला जिहड़े सधारण मराठा जिहड़े मजोरिटी बहु गिणती लोगों के करेगी फैसला भी किधर उहदी जे सरकार बना भी लैंदे आ लेकिन जे बहु गिणती लोगों की जिहड़ी हैगी है मराठियां दी वो अपने आप मराठा पहचान ना जुड़ जाती है तो फिर सरकार ज़्यादा देर मतलब शिवसेना फिर अपना जिहड़ा बेशक एक घट गिणती जिहड़ी है भाजपा सपोर्ट दे नाल एम एल मतलब चीफ मिनिस्टर बन जाएगा जां वो भाजपा का चीफ मिनिस्टर फडणवीस है जिहड़ा भी उन्होंने चीफ उहदी सपोर्ट करके आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर जां कोई होर बन जाएगा लेकिन अखीर दे विच जिहड़ा हैगा वो मतलब जिहड़ा उहदा आधार जिहड़ा है वह खत्म हो जाएगा जे जिहड़ी शिवसेना दी लोगों के जिहड़े उहदे फॉलोअर्स दी जिहड़ी उहदे वो बहु गिणती कहिंदे आ कि नहीं साड़ी जिहड़ी मुख पहचान है वह मराठा राष्ट्रवाद हैगा जिहड़ा असीं एज ए मराठा मतलब जिहड़ा तो इहदा मतलब है कि उद्धव ठाकरे वाल जाएगी फिर वह तो ये जिहड़ा हैगा इस वेले जिहड़ा मैनू है जिहड़ा प्रभाव पै रहा है तो डॉक्टर साहब जिवें उद्धव ठाकरे कहिंदा कि मैं हिंदुत्व दे एजेंडे की गल नहीं सी करदा मैं दूर रहिंदा सी उस आइडियोलॉजी तो उस विचारधारा तो जिहड़ी इस देश नूं हिंदुत्व वल लैके जा रही है असल दे विच इही गल है जां फिर सिर्फ पर्दा पाउण दे लई इस पॉइंट नूं अगे रखिया नहीं नहीं मैं तो मंनदा कि उत्थे जिद्दां मैं तुहानूं कहिंदा कि मैनूं लगदा है कि जिहड़ा मराठियां नूं जिहड़ा हैगा शुरू तो ही शिवजी का जिहड़ा अलायंस हैगा जिहदा जिस तरह के पेशवा दा उत्थे दो सेंटर ऑफ पावर रहे है मराठा दे विच इह दुबदा उहनां दी रही है कि एक मतलब मराठे जिहड़े भावें राजे तो रहे ने शिवजी तो बाद लेकिन असली ताकत उहनां कोल नहीं रही असली ताकत पेशवा कोल रही पेशवा ब्राह्मण सीगे तो इस करके जिहड़ा हैगा उहनां दी सोच ते उहनां दी सोच जिहड़ा मराठा राष्ट्रवाद है जिहड़ा खेतरी जिहड़ी पहचान है वह मराठियां 'च ज़्यादा रही है
जेड़े मतलब ब्राह्मणा का उस पास जिहड़ा शुरू तो ही जिहड़ा वक्खरा रहा है जिहड़ा उन्होंने जे इतिहास आप पिछे जाइए तो मतलब कहन दा कि जिस जिहड़ी ये हाले जिहड़ा फैसला हाले लोगों ने करना है उत्थे कि जिहड़ी बहुगिणती जिहड़ी मराठियां दी ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਸ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਤੀਜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਤੋ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ MLA ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਉੱਧਰ ਹੈ 36 ਉੱਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਹਾਟੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ MLA ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MLA ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਾਠਾ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਵੰਜੰਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ